इंडस्ट्री में पवन और अक्षरा भले ही दो नाम हैं, लेकिन प्रतीत एक से होते हैं। हम आपको अब पवन और अक्षरा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो अब तक आपको कहीं पता नहीं चली है, ये हमारा दावा है। इन दोनों के इश्क के लिए एक कहावत सबसे परफेक्ट बैठती है, ये इश्क नहीं आसा इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। सच इनकी प्रेम कहानी किसी किताबी और फिल्मी दुनिया से इंस्पायर लगती है। लेकिन जनाब, तो चलिए हम आपको बताते हैं इन दोनों की पहली मुलाकात कब, कहां और कैसे हुई। पवन और अक्षरा की पहली मुलाकात सन 2013 में हुई थी, एक फिल्मी पार्टी के दौरान। तब पवन सिंह की दूसरी शादी भी नहीं हुई थी। पहली शादी के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि पहली शादी पवन सिंह ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर रीना रानी से की थी। एक्ट्रेस रीना रानी कई हिंदी शोज में आपको नजर आ चुकी हैं, और आपको उनकी दूसरी पत्नी नीलम के बारे में तो सब कुछ पता ही है। यानी कि पवन की दूसरी शादी से पहले अक्षरा सिंह से उनकी मुलाकात हो चुकी थी, और अक्षरा और पवन की मुलाकात एक ऑर्डिनरी मुलाकात ही बन के रह जाती अगर पवन सिंह की लाइफ में वो कुछ न होता जो आगे घटने वाला था। अपनी दूसरी शादी से पहले पवन सिंह एक्ट्रेस काव्या सिंह के प्यार में गिरफ्तार थे। इसी बीच घर वालों के दबाव के चलते पवन सिंह ने नीलम से शादी कर ली, बस परिवार का मन रखने के लिए। और उधर अक्षरा के जीवन में भी कम उथल पुथल नहीं चल रहा था। पवन से पहले खेसारी लाल यादव के प्यार में पिंगे बढ़ा रही थी अक्षरा सिंह। उस वक्त तो न अक्षरा सिंह और न पवन सिंह को एक दूसरे में दिलचस्पी थी, और न उन्होंने कभी सोचा था कि तकदीर उन्हें आगे कैसे मिलाएगी। पवन अपनी दूसरी शादी से पहले अक्षरा के साथ दो फिल्में साइन की थी, पहली धरती के लाल करे कमाल और दूसरी ठोक दे। इन दोनों की पहली फिल्म थी धरती के लाल करे कमाल, जिसमें अक्षरा ने निगेटिव रोल निभाया था। जी हां, आपने सही सुना, अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो आप वेब म्यूजिक के ऑफिशियल चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही इन दोनों की दूसरी फिल्म थी ठोक दे, जिसमें ये दोनों जोड़ी के रूप में सामने आए, और तब से इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। लेकिन ठोक दे ये वही फिल्म है जिस फिल्म के सेट पर पवन और अक्षरा एक दूसरे से करीब आना शुरू हुए थे। ये थी पवन और अक्षरा की पहली मुलाकात की कहानी। क्या अब आप ये नहीं जानना चाहते हैं कि पवन सिंह की लाइफ से काव्या सिंह की एग्जिट कैसे हुई, और वहीं दूसरी तरफ अक्षरा सिंह खेसारी लाल यादव की दिल की रानी बनी हुई थी। अब आप हमारे अगले एपिसोड में देखेंगे कि काव्या यानी कि काव्या सिंह की एग्जिट पवन की लाइफ से कैसे होती है, और खेसारी लाल यादव की पत्नी दूध में पड़ी मक्खी के समान अक्षरा सिंह को कैसे खेसारी लाल यादव के जीवन से आउट करती हैं। इन दोनों की लाइफ के आगे की स्टोरी जानने के लिए आप हमारा अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा कि जल्द ही आएगा, और इस सीरीज का नाम है तुझ संग प्रीत लगाई। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।